हम बाजपट्टी में है जो मुजफ्फरपुर के नजदीक पड़ता है और यहाँ 7 तारीख को मतदान होने वाला है। अभी ही तेजस्वी यादव यहाँ से सभा करके गए हैं। कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए विशाल जन समुदाय जो है वो तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आया। क्या बिहार की जनता क्या चल रही? बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है बिहार की जनता। जी लालू जी का शासन अच्छा था कि नीतीश जी का शासन अच्छा था? लालू जी, लालू जी, लालू जी का शासन अच्छा था। अगर तेजस्वी जीत कर आते हैं तो आपको कैसा लगेगा? हमने जो कहा है यकीनन ये सच है कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। इंशाल्लाह हम लोग को यकीन है कि तेजस्वी से मुकेश कुमार यादव को जिताना चाहते हैं। मुकेश यादव जिंदा, मुकेश कुमार जीता हुआ है। मुकेश कुमार आने वाला देश में कोई भी नहीं। मुकेश यादव तेजस्वी यादव की लहर पूरे बिहार में छाई हुई है और ये जो जनता दिख रही है उनके समर्थन में है। जनता तेजस्वी यादव को जिताना चाहती है। हम पूछना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव को आप जिताना चाहते हैं? देखिए अभी जो वादा किए तेजस्वी सरकार के, हम 10 लाख नौकरी देंगे। इससे पहले सब लोग बेनौकरी बैठे हुए हैं और नीतीश जी कोरोना काल में सबको बेजारों मददगार छोड़ दिया और बोले जो लोग जहां है वहीं रहे। इसलिए हम लोग इस मरतब बिहार में तेजस्वी सरकार को चाहते हैं। और मुकेश जी हमारे गांव के, हम लोगों ने उनको मुखिया बना, उसमें भी सपोर्ट किए और इस मरतब इंशाल्लाह उनको विधायक बनाना है। और पूरे भारत से जो है लेबर पैदल यहाँ चले आए। नीतीश सरकार ने कुछ किया तब? किया था नहीं, मगर बहुत आफत थी, परेशानी थी पूरे भारत में। और यही है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। जनरल घोटाला हुआ और इन्होंने तेजस्वी जी ने पूरा मुद्दा को उठा के लेके गए और अकेले लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नौजवान बेरोजगार हो गए पूरे भारत में और हम लोग को यही चाहिए कि सरकार को बदल करके तेजस्वी जी की सरकार को लानी चाहिए कि उन्होंने कैसा काम करके दिखाएंगे। और हमको उम्मीद है कि तेजस्वी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। महामारी में जो कोरोना की महामारी और जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर हम लोग जाते हैं कमाने, जो सब फंसा हुआ था वैसे बुरे हालात में ये तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं वो हम सब बिहारी भाई को गांव लाने का काम किया था। यही जेडीयू नीतीश कुमार जो हम सब बिहारी भाई को बोले थे कि जो आएगा बाहर से उसे बिहार राज्य में एंट्री नहीं देंगे, उनको आने नहीं दिया जाए। यही तेजस्वी यादव हम सब बिहारी भाई को लाए हैं और हम सब बिहारी भाई एक ही बात बोलेंगे, आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर दो बात कहेंगे, अभी का माहौल जैसा है उस हिसाब से नीतीश जी बौखलाए हैं, मोदी के आंखों में भय है, इस बार भैया तेजस्वी तय है। नीतीश बौखलाए हैं, मोदी के आंखों में भय है, तेजस्वी का आना तय है। यह है बिहार की जनता। इस वक्त हम अभी यहाँ तेजस्वी की सभा खत्म हुई है जिनके समर्थन में
तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, वो मुकेश यादव जी हमारे साथ जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो माहौल दिख रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि वो कड़ी टक्कर नीतीश की सरकार को दे रहे हैं। क्या मुद्दे है इस बार आप यहाँ? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव युवाओं के दिल के धड़कन है, और उनका हमारे सरकार बनेगी तो 10 लाख जो विभिन्न पदों पर बेरोजगार हैं, युवकों हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे यहाँ का प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर मुझे लोगों ने आश्वासन देकर और सेवा देने का काम कर रहे हैं। मैं चुनाव जीतने के बाद भी सभी बाजपट्टी की जनता के सेवा के लिए मैं दिन रात इकट्ठा कर और हर समय हर वक्त मैं देने का काम करूंगा। मेरा मुद्दा रहेगा जो सबसे निचले तबके के लोग जो है, जिनकी पढ़ाई लिखाई पैसा के अभाव में नहीं हो पाता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था है सरकारी अस्पताल में, उनका प्राइवेट में पैसा नहीं हो पाता है। मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं अपने नेता से आग्रह करूंगा, मैं भी सदन के माध्यम से कड़ी आवाज़ से उठाऊंगा जो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, ताकि सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं, सबसे निचले तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा का अभाव है, उनका सरकारी स्कूल में उनके बच्चा पढ़े और सरकारी अस्पताल में समुचित इलाज हो। जी, जो लालू का राज था उसे जंगल राज कहा गया, और ये कहा गया कि तेजस्वी जंगल राज के युवराज है, और 15 साल का जो शासन है वो सुशासन बाबू का वो सुशासन है। क्या ये 15 साल का शासन सही में सुशासन था? कहीं सुशासन नहीं है। यह 15 साल के शासन में लालू जी के शासन जंगल राज नहीं था। कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया गया, लालू यादव के जंगल राज नहीं था, लालू यादव के राज में गरीबों का राज था। जो गरीब सबसे निचले तबके के लोग हैं वो वीडियो थाना पर जाकर अपना हक मांगता था, कलेक्टर से अपना हक मांगता था। लेकिन यह सुशासन के पर जो 15 साल की सरकार है वह यह कुशासन की सरकार है, जो किसी गरीब जनता को सुनने के लिए नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है, जो उनके सरकार के विधायक मंत्री है, उनको भी चपरासी और वीडियो तरजीह नहीं दे पाता है, तो जनता के क्या सेवा करेंगे। मैं सभी लोगों की तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार सभी लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि फिर आदरणीय तेजस्वी यादव जो जात पात से ऊपर उठकर सभी समुदाय को लेकर चलना चाहते हैं, टिकट में भी युवाओं के लिए सभी बिरादरी के लिए समान अनुपात से टिकट देने का काम किए हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास है जो जनता का जनसमूह जो समर्थन मिल रहा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल, जीत की कितनी संभावना है? 100% जनता का जो, तो ये थे 100% जीत की संभावना। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया।